गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। ये दिन किसान की शुरुआत के साथ और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 10:30 बजे से। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर दिया है और नाश्ता करके सब लग गए अपने अपने कामों पर। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस धुरी सो रखा है तो इसलिए हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। जिस दिन धुरी सो जाता है तभी वो मस्त सो रखा है। तब तक मैं थोड़े से कपड़े धो देती हूँ क्योंकि उसके बाद हमने ये घास छत में दिख रही होगी आपको, घास निकालनी है और चारों तरफ आपको धुंध धुंध दिख रहा होगा क्योंकि जंगलों में लग चुकी है आग और पता नहीं क्या हो रखा है, समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ से आग 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 लगी हुई है और चारों तरफ आपको धुंध दिख रही होगी। तो इस चक्कर में लोग जो खेतों में, जैसे हम लोगों ने घास वगैरह रखे होते हैं, सब काट के लेके आनी पड़ रही है डर की वजह से कि कहीं घास खत्म ना हो जाए आग की वजह से। आग आपको पता है कि सूखी घास में तो ऐसे फैलती, क्या बोलना। तो वैसे ही यहाँ चीड़ चूड़ के पेड़ हैं तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आग फैल रही है। तो उस चक्कर में ऐसा होगा कि पूरा जंगल ही बर्बाद हो गया बिल्कुल। कुछ फल, आपको पता है कि अब काफल का टाइम आने वाला है। काफल एक फल होता है छोटा सा, जिनको पता नहीं है, पहाड़ी फल होता है। तो वो फलों के पेड़ भी जल गए होंगे, सारा कुछ अब पता ही नहीं चल रहा। अभी कुछ टाइम बाद चक्कर लगेगा जंगल में, तब जाके पता चलेगा क्या क्या नुकसान हुआ है। अभी घर से तो एकदम हम लोग बता नहीं सकते कि क्या क्या हो रहा है ना। तो चलो फटाफट मैं कपड़े धो देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे मेरे को लेके कि आप पहले क्योरस्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते थे, अब आपने अचानक क्योरस्किन के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें। तो नहीं, मैं क्योरस्किन के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि बीच में मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी उसका, क्योंकि बीच में मेरी किट बनने के लिए गई हुई थी, अब मेरी नई किट बन के आ गई। जैसे कि आपको पता है कि हमारे फेस पर चेंजेस आते रहते हैं और वहाँ पर डॉक्टर बैठे होते, पहले मेरा फेस कुछ और था, लेकिन क्योरस्किन के जब से मैंने प्रोडक्ट लगाई तो मेरे फेस पर काफ़ी चेंजेस आए और उसके बाद मेरी दूसरी किट बन के आई। जब मैं प्रेगनेंट थी उस टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर अलग किट बन के आई थी। जैसे कि आपको पता है कि हर टाइम वहाँ पर अलग अलग किट बन के आती है। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे डॉक्टर बैठे होते हैं, पहले हमारा फेस स्कैन होते हैं पूरा प्रॉपर कि हमारे फेस पे, पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे फेस पे कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन जब मैंने फेस की फोटो भेजी तो मुझे पता चला मेरे फेस पे एक्ने वगैरह इतनी चीज़ें निकल के सामने आ जाती कि हाँ। फिर उसके बाद आप वहाँ पर चैट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें बता सकते हो। अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि हम बाहर जाते हैं कहीं पर, आपने देखा होगा हम प्रोडक्ट वगैरह लेने जाते हैं लेकिन कोई हमें उस चीज़ के बारे में बताता नहीं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं तो हमें सारी चीज़ें गाइड करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि वहाँ पे हमें फ्री डाइट चार्ट मिलता है हमारे अकॉर्डिंग। तो आप इसकी पैकिंग देख सकते हो, वाओ, मैं तो इसको हटाती ही नहीं, ऐसे रखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका बॉक्स। तो सबसे पहले मुझे मिलता है यहाँ पे ये फेस वॉश। सवेरे सवेरे मैं इसे फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर हाइड्रेटेड जेल और उसके बाद मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में तो बहुत तेज़ धूप होती है, मुझे तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके बाद मैं ये अप्लाई करती हूँ। रात को मैं सेम प्रोसेस करती हूँ लेकिन इसको स्किप कर देती हूँ, साथ में मैं लगाती हूँ ग्लाइकोलिक, ये जेल है, और इसको भी मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। ये हमारे फेस से काफ़ी मतलब इश्यूज होते हैं हमारे फेस पे, काफ़ी क्लियर करता है। तो रात को सेम प्रोसेस लेकिन इसको स्किप करके, हाइड्रेटेड जेल को स्किप करके इसको मैं यूज़ करती हूँ। के बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तारा 100 तो आपको मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट लोगे आप तो उस पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, वो भी स्टार्टिंग के 50 कस्टमर को। दोस्तों कपड़े तो मेरे धुल गए, थोड़े से ही थे तो मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। आज मेरे को लग रहा है गौशाला की सफाई करने पर लगे मैं पापा मम्मी, तो मैं भी जाती हूँ थोड़ा सा नीचे और देखती हूँ, अपना योगदान देती हूँ थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। ए बाबा खुल गई नींद आपकी है? खुल गई? बाप रे, दरवाजा कैसे खोलेगा? ओ बच्चे सुनो, दोस्तों आजकल आपको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है आजकल बहुत आलस वाले दिन हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे नींद 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 से आ रही, मुझे तो ज्यादा ही हो रहा है, मेरे तो नींद पूरी नहीं हो रही ऐसा लग रहा है। दोस्तों अब दिन का टाइम भी हो ही गया है तो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने खाने में आज बनाना है, मैंने सेम वही क्या बोलते चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, मैंने बनाने आलू प्याज की खिचौड़ी मतलब साग बनाऊंगी और साथ में चावल। चावल तो मैंने कप के रख दिए हैं, बस बनने भी वाले होंगे चावल। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू प्याज थीच के रख दिया है और साथ में टमाटर वगैरह काट के रख दिया। तो फटाफट खाना बनाते हैं पापा रुके आने से पहले। मैं यहाँ सोने के लिए आई थी और ये देखो ध्रुवी महाराज को लेके आई थी, मैं जी भी सो जाएगा थोड़ा ना, और मेरे हस्बैंड कह रहे इसको खेलने दे, कॉल करके कह रहे इसको खेलने दे, तो एक काम कर तो सो जा थोड़ी देर, और जब तक अगर मैं सो गई हाँ तो भूचाल आ जाएगा। देखो पूरा लगा हुआ अपने उस पर, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ जी सारे क्या कर रहे हो आप? हैं दे दो मम्मा को, दे दो प्लीज, एक्सक्यूज मी ध्रुव जी, ओ ध्रुव कुमार, ध्रुवी सिंह, तारा का बेटा, राहुल का बेटा।
राहुल के बेटे हो आप, इधर आ जाओ। शनी एवे शनी आज बेटा, तू जो मर्जी बोल रहा, मैं तो लगा रहूंगा अपने। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, मस्त खोज करने में लगा हुआ है, देखो लगा हुआ खोज खाज करने में। गम गम गम, बेबी गिर जाएगा वो, सुनो गिर जाएगा। उसको नहीं उसको नहीं उसको नहीं उसको नहीं, इधर आओ। बाय बाय शानी, फेंक दे सब फेंक दे। गाइस शाम का टाइम हो गया, हम लोगों ने चाय पी ली है और अभी ना एक कुछ महसूस किया प्रकृति का खेल कहते नहीं, ये किसी को समझ नहीं आया आज तक, लेकिन मुझे अब फील हुआ कि हाँ ये बात सही है। जैसे कि मैंने आपको सवेरे बताया, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि जंगलों में चारों तरफ आग लगी है, अभी भी हल्के हल्के धुआं आपको दिख ही रहा होगा। आज तो फिर भी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन कल तक जान तक नहीं थी, लेकिन सवेरे तक इतनी तेज़ धूप थी, मतलब बोल सकते मैं बारिश की दूर 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 तक कोई आशंका नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था ऐसे कि हाँ कि बारिश होगी, ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था ना कुछ था, मतलब ऐसा धूप आ रखी थी सवेरे, अच्छा खासा सब कुछ हो रखा था अभी तक। जैसी आग बड़ी 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 वैसे ही मौसम बदलता गया और यहाँ देखो बारिश जैसा सा होने लग गया, मतलब बूंदाबांदी होने लगी है और हवाएं तो कब से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ होने वाली बारिश, अभी एक घंटे पहले से हवा चल रही है मतलब, लेकिन हाँ भगवान करे बस बारिश हो जाए, जितनी भी आग वाग लगी हुई जंगलों में वो सारी बुझ जाए। कोई दिख रहा होगा आपको कि बूंदाबांदी होने लगी है, ये बारिश ही है ये देखो, और इस बारिश की वजह से सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। वहाँ भी देख सकते हो आप, वो देखो वो दादी और लकड़ियाँ वगैरह लेके आ रही हैं और हमारा भी सारा काम हो गया, बस लकड़ी वगैरह हम लोग ने अंदर रख लिए हैं। थोड़ा चूल्हा वगैरह कम जलाते हैं ना तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बाकी ये घास है इसको थोड़ा सा आधी घास को भीगने देंगे बारिश में, क्योंकि गाय ये जो घास होते नहीं ये वाली की चीज़ की गेहूँ की, तो ये बारिश में भीग के और मतलब गाय भैंस अच्छे से खाते हैं, तो कुछ हम स्टोर करके रख देंगे, जो बांध के रखा हुआ है ना ये स्टोर करके रख देंगे। कहाँ जा रही है पाइप लेके पंडाल? दोस्तों शाम का टाइम हो गया, हम लोग थोड़ा सा सैर करने के लिए आ रखे थे, तो अभी हमें ना जाते जाते एक आइसक्रीम वाला मिला, हम लोगों ने आइसक्रीम ली, लेकिन आइसक्रीम पिघल रखी है, पहला फॉल्ट तो उसका ये है पूरी की पूरी पिघल रखी है, दूसरी बात की आइसक्रीम 10 रुपए की थी उन्होंने हमें 20 रुपए की दी, और हमने जब उनको बोला कहते कि हमारा भी तो यहाँ का बनते थे दूर आते ना गाँव में, वो तो मार्केट से काफी दूर हो जाता है गाँव, तो उन्होंने 10 रुपए अपने ले रखे, तो हम चारों की जा रहे हैं मैं भाभी और मुझे लोगों ने कितना बोल दिया, पर मैंने सुधर उनका, तो लोग मुझे बोल रहे भाभी मत बोलो वो मुझे बोलते भाभी बोला करो क्या करूँ मैं, तो चलो हमने आइसक्रीम खा के फेंक भी दी जल्दी से ब्लॉग के चक्कर में कि वीडियो ना बन जाए कहीं है। दोस्तों अब हिसर भी पक गए यहाँ पे, मैं हिसर निकालने जा रही हूँ यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ ये देखो मीठे मीठे फल पहाड़ होंगे यार, एक तो पता क्या होता है हाँ जो चीज़ स्वाद होती है ना उसमें मेहनत भी उतनी लगती है आपको पता ही होगा, तो इसमें निकालते टाइम बहुत सारे कांटे चुभते हैं, इसके कांटे जो वो सीधा पत्ते ही हाथ में चुभ जाते हैं भाई साहब, तो कुछ इस तरीके के फल होते हैं देखो, और ये खाने में बहुत टेस्ट होते हैं मीठे मीठे, बस कीड़े वेड़े ना उनके अंदर है। दोस्तों मैं मेहनत का फल लेने जा रही हूँ यहाँ एक प्लेट पर, बस पता चले कि निकाल के सब कीड़े ना पड़े उनमें।
नीचे नहीं आने दे रहा है। दोस्तों 7 बज चुके हैं, अंधेरा से भी हो गया और मैंने सब्जी काट दी है। सब्जियों मैंने घिया की सब्जी काटी हुई है। अभी मैं प्याज टमाटर काट रही हूँ और सब्जी खाना वगैरह बनाती हूँ। आज थोड़ा जल्दी बनने लग गया क्योंकि अब काम वगैरह खत्म हो गया तो जल्दी खाना बन जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि 7-8 बजे खेत से आते थे तो फिर टाइम का पता नहीं चलता था, 9-10 बज जाते थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि टाइम है तो फटाफट खाना बना देती हूँ। तो चलो मैं बनाती हूँ खाना और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगी फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय।